15 मई को हमारे क्राइम ब्रांच के सेंट्रल यूनिट के अधिकारी और अमलदार, इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। सरोजा पुलिस स्टेशन के अंडर पाले खुर्द गांव है, वहाँ पे एक किस्म बनावट जो चलनी नोट है वो उसकी छपाई कर रहा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने पे हमारे लोगों ने माननीय पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त गुने, इनकी नेतृत्व मार्गदर्शन में वहाँ पे रेड की, छापा डाला। छापे में वहाँ पे एक एक्यूज्ड जिसका नाम है प्रफुल्ल गोविंद पाटिल, 26 साल उसकी उम्र है, तोंडरे गांव का रहने वाला है। ये रहता एक गांव में है और जहाँ का ये छपाई कर रहा था वो गांव अलग है, वहाँ पे किराए से रूम लेके वो छपाई कर रहा था। उसके पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये ये डिनोमिनेशन के 1443 1443 बनावट नोट, जिसकी टोटल वैल्यू 2,03,200 रुपये है, वो मिले हैं। वो अच्छे क्वालिटी के स्कैनर, प्रिंटर, कंप्यूटर और अन्य उसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो लेके एक कॉटन पेपर पे, जिसकी पेपर की साइज़ जो है उसकी थिकनेस होती है वो 90 GSM का पेपर है, ये उसने बम्बई से प्रोक्योर किया था और उस पे ऊपर वो प्रिंटिंग करता था। उसको उसके खिलाफ IPC 489A, B, C, D ये चारों सेक्शन के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसको माननीय कोर्ट के सामने पेश किया और उसको 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। इसके साथ कौन कौन इसके साथ ही हुआ है? ये आरोपी 9th फेल है, लेकिन वो एक रिटेक करके कंपनी है जो कंप्यूटर और पुराने कंप्यूटर और प्रिंटर से उनके पार्ट्स सेपरेट करना, सेपरेशन का काम वहाँ पे चलता है, उसमें काम करता था। उसकी वजह से इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी का, टेक्नो सेवी था, टेक्नोलॉजी का नॉलेज था। और इसने वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो दिल्ली पुलिस में, जो उसकी जांच में उसने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने पहले एक बनावट चलनी नोट का केस, रैकेट उध्वस्त किया था, तो वो वीडियो पे वो कैसे बनाते थे ये उसने यूट्यूब पे देखा और उसके दिमाग में आइडिया आई कि वो भी कर सकता है। उसके लिए उसने सारी जरूरी जो सामान था वो प्रोक्योर किया, पेपर प्रोक्योर किया, नोट पे जो सिल्वर लाइनिंग होती है उसके लिए वो रेडियम का गिफ्ट पैकिंग का सिल्वर और ग्रीन कलर का पेपर आता है वो उसने लाया। ये GSM, ज़्यादा GSM का थिक पेपर है, उसको थिन करने के लिए वो उसको आयरनिंग करता था, इस्त्री करता था। और इसका ऐसा था कि इसके पहचान वाले को वो जितना रियल करेंसी देगा उसके 10 गुना डुप्लीकेट करेंसी प्रिंट करके देता था। तो मानो 5,000 रुपये अगर रियल करेंसी में इसको मिलते हैं तो वो 50,000 की प्रिंट करके देता था। ऐसे उसने अपने एक परिचित प्रतीक एड़े नाम के दूसरा एक आरोपी आज हमने अरेस्ट किया है, उसको हमारी टीम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है। तो उसका कस्टडी लेके इसके पहले उन्होंने कितना ऐसे नोट कहाँ यूज़ किए उसके बारे में अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, और कौन इसमें इन्वॉल्व है उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। 500 रुपये के जो डिनोमिनेशन के जो करेंसी नोट्स है वो आम आदमी भी, आम इंसान भी, और जहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे वो बड़ा जांच पड़ताल करके लेते हैं। 50 रुपये और 100 रुपये के ज़्यादा जाँच करते नहीं है, इसकी वजह से लो डिनोमिनेशन के नोट्स जो है वो उसकी छपाई करता था। उसके साथ और कोई आरोपी वगैरह? एक अरेस्ट किया है हमने जैसे मैंने अभी बताया, और आगे हम जांच पड़ताल कर रहे हैं।